हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ के बाद आपका जीरेंड आएगा। इंस्टेड ऑफ की हिंदी होती है के बजाय या के सिवाय, और जीरेंड हमें पता है जीरेंड होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही आप जीरेंड कहते हैं। तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया है। अब देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले आपका इंस्टेड ऑफ आएगा, इंस्टेड ऑफ के बाद आप जीरेंड लगाएंगे, उसके बाद आपका नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में से कोई भी आ सकता है। अब जैसे दो सेंटेंस देखिएगा, मुझे बुलाने के बजाय, तो पहले के बजाय एक मीनिंग आपको लगाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे बुलाना मतलब कॉल, कॉल में आईएनजी लगा देंगे कॉलिंग हो जाएगा, और मुझे मतलब मी, तो मुझे बुलाने के बजाय हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी। उसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, अकेले होने के बजाय, तो के बजाय का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ, उसके बाद होना का मतलब बी, बी में आईएनजी लगा देंगे बीइंग हो जाएगा, और अकेले का मतलब एलोन, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एलोन मतलब अकेले होने के बावजूद। अब इसका ये हम देख लेते हैं इसका यूज कैसे हमें सेंटेंस में करना है, लेकिन उससे पहले एक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस जो हम आगे बनाने वाले हैं। सबसे पहले इंस्टेड ऑफ आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी जिसे आप जीरेंड भी कहते हैं, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में से कोई एक आ सकता है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे देखिएगा पहला सेंटेंस, कठिन परिश्रम करने के बजाय वह अपना समय नष्ट करता है, तो कठिन परिश्रम करने के बजाय सिर्फ इतने का क्या बनेगा, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के बजाय कॉमा वह अपना समय नष्ट करता है, तो ही वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, अकेले होने के बजाय वह तुम्हारे साथ रहता है, तो अकेले होने के बजाय सिर्फ इतने का क्या बनेगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग एलोन तुम्हारे अकेले होने के बजाय कॉमा वह तुम्हारे साथ रहता है, ही लिव्स विद यू। उसी तरह देखिए, मुझे बुलाने के बजाय आपने रोहित को बुला लिया, तो क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी मुझे बुलाने के बजाय यू कॉल रोहित, आपने रोहित को बुला लिया। तो मे भी आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर उसके बाद उस सेंटेंस का अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कॉमा लगा के मेंस जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, किताबें खरीदने के बजाय, तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स मतलब किताबें खरीदने के बजाय आपने ढेर सारी कॉपियां खरीद ली, तो आप क्या करेंगे, यू बॉट आपने खरीद लिया मेनी कॉपीज, यहां मेनी के स्थान पे आप अलॉट ऑफ भी आप कह सकते हैं, तो यू बॉट मेनी कॉपीज या अलॉट ऑफ कॉपीज। फिर देखिएगा, मेरी मदद करने के बजाय वह मुझ पर हंस रहा था, तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी मेरी मदद करने के बजाय ही वॉज लॉफिंग एट मी वह मुझ पर हंस रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अपनी शत्रुता दिखाने के बजाय उसने मेरी बहुत मदद की, इस कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ शोइंग हिज एनिमिटी, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, शोइंग मतलब दिखाने के, तो दिखाने के बजाय क्या, हिज एनिमिटी अपनी शत्रुता को, अपनी शत्रुता को दिखाने के बजाय ही हेल्प्ड मी उसने मेरी मदद की, टू मच मतलब बहुत अधिक। अब ये देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए जैसे आपको नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा है, इस सेंटेंस को आपको कैसे करना है, सेम उसी फॉर्मूला को आप लगाएंगे, आपका मित्र होने के बजाय वह आपका पड़ोसी होगा, और यहाँ पे अनुमान लगाया जाए कि वो आपका मित्र नहीं बल्कि आपका पड़ोसी होगा, तो कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग योर फ्रेंड मतलब आपका मित्र होने के बजाय कॉमा ही विल बी वह होगा, क्या होगा, योर नेबर आपका पड़ोसी। तो मे बी ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट सेंटेंस, विद्यालय जाने के बजाय वह बाजार चला गया, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो के बजाय पहले लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल विद्यालय जाने के बजाय ही वेंट टू मार्केट वह बाजार चला गया। तो मे बी ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गया होंगे कि इंस्टेड ऑफ का यूज कैसे आपको करना है। लास्ट में देखिए आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन सारे सेंटेंस को आप पढ़ें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज वीडियो में आप कमेंट करें, और आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।